गुरुदेव एक प्रश्न है, देसा राठौर जी मुंबई से लिखती हैं। श्रीमद् देवी पुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में उत्पत्ति के अलग अलग उत्तर हैं, तो मैं किसे श्रेष्ठ समझूं, माता रानी या विष्णु? जय माता सर्वप्रथम तो दोनों ही पुराण जो हैं बिल्कुल सत्य हैं, और दोनों पुराणों को जिनकी देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण किसने, व्यास जी महाराज जी की, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मार्कंडेय जी की। तो महाराज अपने अपने आराध्य, देखिए वो भाव है, अपने अपने आराध्य के प्रति भाव है। दोनों पुराण बिल्कुल अपनी जगह से है, बिल्कुल अपनी जगह से। तो यहाँ पर एक संदेश है कि अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ मान, माने अगर हम अपने माता पिता को मानते हैं तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानो। जीवन त्याग हो जाए, मरण को हो जाए, लेकिन कभी भी उनका परित्याग मत करो, उनका परित्याग मत करो। गुरु देवता को मानते हैं तो हमेशा उनके प्रति समर्पित हो जाओ, चाहे कितना घनघोर काल पड़ जाए, चाहे कितनी भी दरिद्रता आ जाए, लेकिन उनको छोड़ना नहीं, उनके चरणों को छोड़ना नहीं। कभी कभी ऐसा आता है कि काल चक्र इतना घूम जाता है कि जिंदगी ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल पैसा खत्म हो जाता है, जीवन नए जीवन से शुरू करना पड़ता है। तो उस समय हम कहते हैं कि हमारे साथ भगवान ने बुरा किया, भगवान ने बुरा नहीं किया, कर्मों का प्रारब्ध मिला। अब उस कर्मों के प्रारब्ध को अगर भगवान आपको एक संदेश देता है कि कर्मों के प्रारब्ध को आप कैसे बदल सकते हैं, अभी हमें झेलना पड़ा ना, आगे क्यों झेले, उसके लिए क्या कहा, परमात्मा का भजन कैसे करो। जरूरी नहीं कि आप राम का नाम, कृष्ण का नाम और ये इन नामों को जप करो, आप अपने मात को भी अपने राम मान सकते हैं, कृष्ण मान सकते हैं, श्री देवी मान सकते हैं, श्री जी मान सकते हैं, ठीक है, और अपने पिता को भी, अपने गुरु देवता को, अगर इस प्रकार का समर्पण भाव आप में आ गया तो समझिए परमात्मा आपको प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का एक सरल मार्ग है कि उनकी सिद्धि। सिद्धि कैसे होगी, जब हम एक ही आराध्य पर अटूट विश्वास करने लग जाएं कि अगर माता पिता को मानते हैं वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर उन्होंने कह दिया मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है, उन्होंने कह दिया दुख झेलना है, कोई बात नहीं दुख झेलना है, समझ जाना कि परमात्मा ने कहा अभी दुख झेलना है, उन्होंने कहा अभी सुख की अनुभूति करो तो सुख की अनुभूति कर ली। परमात्मा को भजो, कैसे, माता पिता गुरु देवता को मानो, ठीक है, और जब ये भाव आ जाएंगे तो आपका जीवन साकार हो जाएगा। आप अपनी भक्ति कीजिए, आप किसी को मानिए, आराध्य आपका जो है आप उसे सर्वश्रेष्ठ मानिए।